इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का फैसला। सियासी जमात की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मनफी मुहिम की मुजामत। इलेक्शन कमीशन अरकान से इस्तीफे का मुतालबा मजहक का खेस करार। एक और साबिक जज मजहर आलम मियाखेल ने भी सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। चार मुजावजा नामों में से मकबूल बाकर और मुशीर आलम पहले ही माजरत कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास भी जारी। पीटीआई पर पाबंदी और मजमुई सियासी सूरत हाल पर ऐवाने सदर में बड़ी बैठक लग गए। इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालती फैसले, पीटीआई क्यादत के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई से मुतालिक उमूर भी जेर गौर। वफाकी हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुतालबा तस्लीम किए जाने की यकीन दहानी पर TLP का फैजाबाद धरना खत्म करने का ऐलान। मसला फलस्तीन के हल के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की TLP रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में PTI पर पाबंदी के खिलाफ करारदाद मंजूर। पाबंदी का इकदाम आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी। हजम के तनासब से PTI को मखसूस नशिस्तें देने का मुतालबा। रहनुमाओं की गिरफ्तारी इंसानी हकूक की पामाली करार। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में आइन दोबारा लिखा, जो मांगा ही नहीं PTI को वो दे दिया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का दावा। खैबर पख्तूनख्वा खबरदार कर दिया कि किसी ने हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। खावर मानिका ने दौरान इद्दत निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बर्रियत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। ट्रायल कोर्ट का 3 फरवरी का फैसला बहाल करने, बानी PTI और अहलिया की सजा बहाल करने की इस्तदा। PTI की पंजाब असेंबली की मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त तैयार। यास्मिन राशिद, आलिया हमजा, सनम जावेद और फलक जावेद के नाम शामिल। बानी की मंजूरी के बाद जमा करवाई जाएगी। सोना फी तोला 3000 रुपए सस्ता, कीमत 2,51,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 2,500 रुपए कम होकर 2,15,192 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के अख्तिताम पर मंदी का राज। 100 इंडेक्स 1721 पॉइंट की कमी से 80,117 पर बंद हुआ। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। काठोर, गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया, बहरिया टाउन, हसन इकबाल, सुरजानी और गुलशन मेमार में तेज बारिश से गर्मी की छुट्टी। दीगर इलाकों में गर्मी का राज बरकरार।